हाय फ्रेंड, वेरी वेलकम टू यू टॉप एडिटर मैन। दोस्तों आपका बहुत स्वागत है। और कैसे दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने फेसबुक प्रोफाइल और पेज के बारे में। तो दोस्तों हम क्या करें जो हमारा पेज और प्रोफाइल फ्रेश हो और उसमें कोई कॉपीराइट इश्यू ना आए और हम अच्छे से फेसबुक से अर्निंग कर सकें। तो दोस्तों आजकल बहुत ही सुनने में आ रहा है कि कभी म्यूजिक पे कॉपीराइट आ गया, तो कभी आपका अनओरिजिनल कंटेंट आ गया, कभी नूडिटी एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम आ गए। दोस्तों ये सब क्यों आ रहे हैं? दोस्तों ये सब आने कारण है कॉपी पेस्ट। हम जो है कोई वीडियो उठाकर उस पर डाल देते हैं और एडिटिंग भी अच्छे से नहीं करते हैं, बस जो है उसमें हम साउंड वगैरह बदल दिया और कलर बदल दिया तो उससे, या म्यूजिक बंद कर दिया, दोस्तों उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऑलरेडी फेसबुक पे वीडियो अवेलेबल है उससे मैच करता है तो वो आपका कॉपीराइट आएगा। तो दोस्तों आपको एडिटिंग करना भी है तो आगे पीछे कट करके म्यूजिक बदल के अपना वॉइस ओवर करके कर सकते हैं, तो शायद उसमें ना आए, लेकिन उसमें रिक्स है आ भी सकता है। लेकिन ये कि 100% है कि अगर आप आगे पीछे करके कुछ करते हैं, साउंड बंद करते हैं, अपना साउंड आप यूज करते हो दोस्तों, तो शायद उसमें कुछ ना आए। ओरिजिनल मतलब क्या हो गया? अगर अपनी साउंड, अपना आवाज़ और म्यूजिक यूज करते हो, चाहे वो ना कॉपीराइट हो चाहे कॉपीराइट हो, और ना कॉपीराइट पर तो आना ही आना है, और उस पर पुस्ट आपका पोस्ट होगा नहीं और ना मोनेटाइज होगा। तो दोस्तों बहुत वही बड़ा इशू चल रहा है फेसबुक पे, और सावधान हो जाएं और कोई भी म्यूजिक वीडियो न करें। जो पिक्चर फिल्मी चल रहा है कोई कमाता नहीं है, सबके कॉपीराइट आ जाते हैं, मोनेटाइजेशन आ जाते हैं, सबके अर्निंग बंद हो जाते हैं, मोनेटाइज हो भी नहीं करता है। दोस्तों अपना ओरिजिनल बनाएं। ओरिजिनल मतलब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहानी की सुना रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, लाइव आ रहा हूँ, या फनी कर रहा हूँ, या फनी कुछ बातें कर रहा हूँ, या कुछ दिखा रहा हूँ अपने डॉग जानवर, कोई भी चीज़ दिखा रहा हूँ, दोस्तों ये ओरिजिनल हो गया। अगर आप म्यूजिक पे करते हैं, एक्टिंग करते हैं और डांस करते हैं तो उस पर दोस्तों कॉपीराइट आ जाता है और आज नकल आई जाता है और आपको मोनेटाइज होगा नहीं। और दोस्तों आप चेक करना फेसबुक पे, रील्स पे या पोस्ट पे, आप अपना दबा कर रिकॉर्ड कर सकते हो पोस्ट पे, और रील्स पे तो दबा दिया, 1 मिनट 90 सेकंड तक कर सकते हो। दोस्तों उस पर ट्राई करना, अपना खुद का आवाज़ में गाओ, खुद बोलो, देखो उसमें बूस्ट लिख के आएगा। बूस्ट मतलब कि आपका फ्रेश है, आप वीडियो फ्रेश है, ओरिजिनल है, वो आपका मोनेटाइज होगा। तो दोस्तों इसलिए अपना खुद का पैनल बनाएं, खुद बोलें, खुद कॉमेडी करें, खुद अपने कुछ दिखाएं, कुछ भी करें, लेकिन अपना ओरिजिनल बनाएं दोस्तों, तो उससे आपका बेनिफिट होगा दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, अपने कई मोबाइल में दो सिम लिए हुए हैं। तो दोस्तों जैसे कि दो सिम हमारे मोबाइल में है, डिवाइस तक ही हो गया, और उसमें हमने बनाया पेज कई ठो, तो दो तीन पेज इसमें बनाया, और दूसरे से हम दूसरे को लाइक कर रहे हैं, या जिस पे जो प्रोफाइल उससे पेज को लाइक कर रहे हैं, तो दोस्तों उससे भी इश्यू आता है, आज निकल आएगा ही और आता है, इसलिए लोग फंस जाते हैं और टर्म कंडीशन फॉलो नहीं करते हम। दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर आप एक ही सिम में यूज कर रहे हो और डिवाइस से, तो दूसरे को अलग आईडी भी है, प्रोफाइल भी है, तो उससे नहीं करना है। हाँ, अलग मोबाइल है, अलग सिम है, उससे आप कर सकते हो, लेकिन अगर उसमें अगर पहला सिम आपने यूज किया है तो वो आपका वो भी सेव हो गया, आपका डिवाइस जो है डबल डिवाइस आपका फेसबुक पे सेव हो चुका है, उसमें भी अगर वो सिम से अगर लगा के फेस में लगा के करते हो तो भी आपका उस सिम वाले में आपका कॉपीराइट दोस्तों आएगा। ये दोस्तों ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों मुझे एक्सपीरियंस है, मैं फेसबुक पे अच्छा डेवलप हूँ, बहुत ही अच्छी प्रोफाइल, हमारा कई प्रोफाइल 10-12 प्रोफाइल हैं जिसमें दस मिलियन से ऊपर व्यूज़ हैं, और मुझे बहुत एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं 8 साल से लगा हुआ हूँ और डेली काम करता हूँ। मुझे क्या नुकसान हुआ है, क्या फ़ायदा दोस्तों, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों सतर्क हो जाएं और अपना ओरिजिनल वीडियो बनाएं और म्यूजिक भी ना करें, नो कॉपीराइट म्यूजिक पे भी सलाह, सॉरी फ्रेंड, नो कॉपीराइट म्यूजिक पे भी दोस्तों उस पर आपका कॉपीराइट आ जा रहा है, जबकि म्यूजिक पे नहीं आना चाहिए नो कॉपीराइट पे, लेकिन उस पर भी आ जा रहा है, दोस्तों क्या फ़ायदा है, हमारा वीडियो बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों अपना ओरिजिनल बनाएं, कुछ भी बनाएं, ब्लॉग बनाएं, कुछ भी अपना हंसी मजाक बोले, शायरी सुनाएं आप, वो दोस्तों जरूरी है, वो ओरिजिनल कंटेंट आपका है, वो अच्छे चलेगा, आप अच्छे से अर्निंग कर पाओगे, आपकी टैलेंट के ऊपर है दोस्तों। और अपने डिवाइस से कभी भी एक सिम, दो डबल सिम में एक मोबाइल में है, तो उससे आप कभी भी अपना न लाइक करें, न शेयर करें, कुछ भी ना करें दोस्तों, नहीं तो फंस जाएंगे आप, बेकार आपका मेहनत हो जाएगा और सब चौपट हो जाएगा दोस्तों। इसलिए जो है आप अच्छे से अपना छोड़ दें, कुछ डालते रहें दोस्तों, और स्टार्टिंग में आपका व्यूज़ तो नहीं आते हैं, लेकिन कुछ कुछ आ जाते हैं, लेकिन ये कि शुरू में नहीं आते हैं, कम से कम 10-15-20 डेली डालते रहिए, एक दिन में कम से कम 2-3 वीडियो डालिए, और जितना डाल सको उतना डालिए, और देखिए दोस्तों जब आपके 15 से ऊपर होते जाएंगे, धीरे धीरे आपके व्यूज़ बढ़ते जाएंगे और फॉलोअर्स बढ़ेंगे दोस्तों, आपका वीडियो वायरल भी होगा
और ये आपका जो दोस्तों बेनिफिट आपको वॉइस में मिलेगा और ये नहीं दोस्तों आप कर पाओगे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और दोस्तों फॉलो करें और इस ट्रिक को लगाएं और ओरिजिनल कंटेंट बनाएं और उससे आप अपना फ़नी अपना ब्लॉग जो भी चीज़ें दिखाना चाहते हो एनिमल पक्षी जो भी अपना बारे में बताना चाहते हो क्या काफ़ी रहें दोस्तों इससे बना ओरिजिनल बनाओ उससे आप कमा पाओगे और उससे पोस्ट भी बनाओ उससे आप रील्स भी बनाओ 100% दोस्तों आप कमाओगे और मेहनत करते रहो आज न कल बेनिफिट मिलेगा। अब शुरू में नहीं मिलता है शुरू में थोड़ा टाइम लगता है नहीं करते रहो दोस्तों 100% आप बेनिफिट मिलेगा। वो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। टेक केयर फ्रेंड्स।